इस वक्त हमारे साथ कबीरपंथी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद भाई टिपानिया जी हैं। वो यहाँ आए हैं, इस दौरे पर आए हैं और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। काफ़ी प्रख्यात कवि हैं, साथ में पद्म भूषण जैसे उनको अवार्ड भी मिले हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। प्रहलाद जी, बताइए, जिस तरह से आप गायक की पृष्ठभूमि में रहे, हमेशा गायन की प्रतिभा है आप में और अब राजनीति में आना पड़ रहा है, कैसा महसूस कर, इन दोनों का तालमेल कैसे बिठाए? देखिए, दोनों ही धाराओं में सेवा है, चाहे अध्यात्म की हो चाहे समाज की हो। और जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं वो भी सेवा करते हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हैं वो भी सेवा करते हैं। तो यदि उस तरह की सेवा अभी तक करते रहे और पार्टी ने और आदरणीय राहुल जी ने और कांग्रेस के वरिष्ठ जो भी महानुभाव हैं उन्होंने यदि प्रत्याशी के रूप में हमें चुना है तो निश्चित रूप से इधर भी हम सेवा करेंगे और वही सेवा मानव मात्र के बीच में इधर भी होगी। जिस तरह से जज की हम बात करें, उनके नाम से लोग थर्राते हैं, जज के सामने जाने के लिए लोगों के हाथ पैर फूलते हैं और आप तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। देखिएगा, जो एक तरह से चुनावी या एक जो रण होता ना, रण का मैदान, वहाँ पर फिर ये नहीं देखा जाता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। और सूरा जो रहता ना, वो फिर जब रण में उतरता तो फिर पीछे कदम नहीं पड़ते। दो दल आन जुड़े जब सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई और टूक टूक होई गिरे धरनी पर, खेत छोड़ ना जाई। सकारात्मक सोच के लिए यदि इस तरह का है तो है, कोई भी आए सामने उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आज तक के एक साहित्य कार्यक्रम में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया था, पूरे वहाँ भजन भी गाए थे, चार लाइन कुछ ऐसी जो आज तक के माध्यम से पूरे भारत को पता चला। देखिएगा, हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक संकल्पित और एक अच्छी सोच की पार्टी है, जिन्होंने पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाने में, पूरे देश को संवर्धन और इसको ऐसी स्थिति में लाने का काम किया। इसी वजह से चूँकि कांग्रेस पार्टी संविधान की के मुताबिक काम करने वाली पार्टी, जिसमें समानता है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें जो अनेक प्रकार की मानव समाज में जो बुराइयां हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने का काम करती है। इस वजह से ये एक संकल्प है कि हम भी इसमें रह करके एक इंसान और एक इंसानियत को लेकर के इस पार्टी के मार्फत काम करें। और इसलिए देखो, एक जगह पर कहा है कि ऐसा हमारा संकल्प है, संकल्प है हमारा, संकल्प है हमारा, इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जाति, धर्म, मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय का दायरा नहीं है। हम धर्म के आधार पर, हम जाति के आधार पर, हम मजहबों के आधार पर जो लोगों को बांटने का काम करते वो इसमें नहीं है। और इसीलिए इसमें वो है, हो बौद्ध जैन मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, हो बौद्ध जैन मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, सबके गले मिलेंगे, संकल्प हो हमारा। हर धर्म का, हर मजहब का सम्मान करना, हर धर्म और मजहब के साथ प्रेम और सद्भाव के साथ में जोड़ना, ये काम रहा संतों का, ये काम रहा पार्टी का। इस वजह से हमारे तो जन्मजात हम कांग्रेसी हैं ही, परंतु फिर भी पार्टी में यदि सेवा का मौका इस तरह से इनके मार्फत, राहुल जी के मार्फत या जो वरिष्ठ जन नेता के मार्फत यदि मिला है तो ये काम इधर भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रहलाद टिपानिया जी। इन्होंने भारत के सारे लोगों के दिलों पर राज किया है, लोकसभा के दिल जो लोग हैं उनके दिलों पर राज कर पाते हैं या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आगर से प्रमोद कारपेंटर। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।